मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि योगा डे के मौके पर आपकी जो तस्वीर आई थी, लोग उसे बहुत ही ट्रोल कर रहे हैं और कई सारे बातें बना रहे हैं कि ये राष्ट्रपति इस तरह से योगा है या आपने देखा होगा सब। अब बताइए कि क्या जब इस तरह से लोग कमेंट करते हैं क्या टेक होता है आपका? क्या क्या कमेंट करते हैं लोग? योगा नहीं करना चाहिए, सिर्फ योगा सिर्फ एक ही टाइप का योगा होता है, इसे नीचे धोती पहन के बैठ जाओ और स्टमक अंदर बाहर करते रहो, प्राणायाम करते रहो, वो उस टाइप का योगा नहीं होता। और भी डिजीज़ है आजकल, तो सब जो हॉट योगा का मतलब है, जो जीएसटी का जो टैक्स निकला है, जीएसटी वो हमारे योगा में जो जीएसटी का जो टेंशन है वो भगाता है हमारा हॉट योगा। जीएसटी से खुश हैं आप? मेरे खुश होने से कौन सा खुश हो या नहीं? कोई कैसे खुश हो सकता है जीएसटी से? तो कुछ कहना चाहेंगे? सब टेंशन में इस डिसीजन से कि लोग खुश नहीं है, आप बताइए। नहीं नहीं, मैं क्यों बताऊं, मैं अभी क्यों, मुझे तो अभी सेलिब्रिटी तो आपका ठीक, मैं तो अपने बारे में बता सकती हूं। आप खुश नहीं करेक्ट, चलेगा तो मोदी जी की चलेगा, हमारा तो कुछ देखो, मैं राखी सावंत खुश हो या ना हो, चलनी तो मोदी जी की ही है, है ना। अब जीएसटी आ जाए या फिर कुछ और, बीएसटी आ जाए, कुछ भी आ जाए, हाँ, तो सारी चीज़ें तो जो मोदी जी चाहते हैं देश को, पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाना चाहते हैं, मुझे नहीं पता कहाँ ले जाना चाहते हैं देश को, आई डोंट नो। मुझे पहले लगा जीएसटी मतलब गाने पे मस्ती, मुझे ऐसा लगा, तो मुझे ऐसा लगा, मैं मुझे लगा कोई मस्ती कर रहा है, जीएसटी का मतलब वो, अब बता, आपने बताया तो पता चला जीएसटी, तो वैसे भी सबकी जीएसटी तो सबकी बुछ लगाने वाली है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि मोदी जी जीएसटी लॉन्च करके इजराइल में है, तो आप मानते हैं कि ये सही कदम है उनका, वो यहाँ पे परेशान है? अच्छा, इजराइल में है मोदी जी, तो बैप्टिज्म लेने गए हैं, तो अगर जीएसटी यहाँ पे लॉन्च करके इजराइल गए हैं, क्यों मोदी जी मतलब क्यों ऐसा कर रहे हैं? इजराइल जाना मतलब अपने, यू नो, इंसान पवित्र होके आता है वहाँ से। आप